हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा रेसिपी, जो बेहद हेल्दी नाश्ता है। पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक मीडियम साइज प्याज, दो कटी हरी मिर्च और एक मीडियम साइज शिमला मिर्च, दो मीडियम साइज टमाटर और हमारा धनिया पत्ता स्वादानुसार, अदरक कटी हुई बारीक, मूंगफली के दाने चाहिए होंगे और हल्दी, नमक हमें स्वादानुसार चाहिए होगा, राई तड़का लगाने के लिए और आधा नींबू का रस और लाल मिर्च थोड़ी सी स्वाद अनुसार। ये करीब हमने 100 ग्राम पोहा लिया है। ये मैंने अपनी कढ़ाई रखी है गर्म होने और अब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल लगाएंगे 2 से 3 चम्मच। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो हम राई का तड़का लगाएंगे। राई हमारी अब चटकने लगी है तो हम इसमें अदरक डालेंगे। अब हम प्याज ऐड करेंगे। अब हमने हरी मिर्च को ऐड किया है। अब इसको हम सुनहरा होने तक भूनेंगे। प्याज को हम सुनहरा होने तक भूनेंगे। अब हमारे प्याज का कलर चेंज हो रहा है। प्याज हमारा भूनकर तैयार हो गया है तो अब हम इसमें शिमला मिर्च को भी ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा शिमला मिर्च भी नरम हो जाए। शिमला मिर्च पक जाए तो इसके लिए हम इसको कवर कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारी मिर्च पकी है या नहीं। अभी हमारी मिर्च नहीं पकी है तो हम इसको ढक देंगे। अब हम इसमें टमाटर को भी ऐड करेंगे। अब हम टमाटर को भी नरम होने तक पकाएंगे, क्योंकि हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो अब हम इसको थोड़े कवर कर लेते हैं, क्योंकि टमाटर अभी हमारा सॉफ्ट होने में टाइम लगेगा। अब हम देखेंगे कि हमारा टमाटर सॉफ्ट हुआ है या नहीं। अभी हमारा टमाटर सॉफ्ट होने लगा है। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और इसमें मिर्च भी ऐड कर देंगे, हल्की सी अपने टेस्ट के हिसाब से करेंगे। अब हम नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। हमारे पोहे जो हमने पहले से धुल के रख लिए थे और बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, चलिए अब हम इसको ऐड करते हैं।
पोहे को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि नमक और हमारा सारा ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हमारा मिक्स हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस और अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। अब हम धनिया ऐड करेंगे। ऐड कर देंगे जो हमने दाने लिए थे। देखिए हमारा पोहा तैयार हो गया है। इसको अच्छे से चला देंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसको गार्निश करेंगे। मुझे धनिया थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने ऊपर से इसको डाल दिया है। और हमारा झटपट नाश्ता तैयार है तो इसे अब हम सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी होता है, आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और बहुत ही आसानी से तैयार और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाता है। तो हमारा वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।